हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद बिन हैदरा एंड आप देख रहे हो आई एम हैदरा एमबीएच। सो आज का मौसम तो बहुत ही प्यारा है, तो मेरा मन मॉर्निंग उठे जब से इडली खाने का दिल बोल रहा है। तो नॉर्मल इडली तो मेरे को खाना नहीं है, तो खाएंगे तो स्पेशल इडली खाएंगे। इतना अच्छा वेदर बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, लेकिन उससे पहले वर्कआउट करनी है, वर्कआउट करके ही जाएंगे। तो चलिए तो चलते हैं जिम, वर्कआउट करके इडली खाने जाएंगे, लेकिन शावर भी लेंगे, रेडी होके जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे यार ये हमेशा मेरे साथ ही होते रहता है ऐसा। Watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, said to live this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you'll have scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. गाइज मैं सिर्फ शोल्डर की वर्कआउट किया हूँ और उसके बाद जो मेरी बॉडी की नीडनेस है यानी प्रोटीन लेके फिर शावर लेने जाना है। अभी मैं शावर लेने जा रहा हूँ, देन उसके बाद रेडी होके इडली खाने जाएंगे। तो गाइज मैं हो गया हूँ रेडी और अब हम जाएंगे इडली खाने। गाइज जो मैं इडली खाने जा रहा हूँ वो बहुत ही 10 से 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है, तो नॉर्मल इडली मैं खाना नहीं चाहूँगा आज के दिन। तो सी यू एट द लोकेशन। मैं बहुत सुना था कोन इडली के बारे में, कोन टाइप की जो इडली होती है वो बारे में सुना था मैं, लेकिन यहाँ पर आया लाइक माई लिस्ट कैफे बोलकर है जो कि बंद है, तो मुझे इडली नहीं मिली। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं आया उतनी दूर से इडली खाने के लिए और इडली की दुकान बंद है, यानी कोन वाली इडली जो स्पेशल खाएंगे बोले, बोलते हैं ना वो लिखा होता है दाने दाने पे खाने वाले का नाम, तो दूसरी जगह खाएंगे। कोन वाली इडली खाने के लिए इतनी दूर से आया हूँ, लेकिन बंद है, क्या कर सकते हो, दूसरी इडली खा लेंगे और फिर निकलेंगे। लेकिन अब मेरे को भूख लग रही है, अब जो मिला वो खा लेना पड़ता, तो लेकिन इडली ही खाएंगे। अब मैं सोचा था कि स्पेशल इडली खाएंगे, लेकिन अब मैं जो खाऊंगा वही स्पेशल बन जाएगी, राइट? ये वाली इडली नहीं, कोई और इडली खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर, भूख लग रही। अब तो जिम करके आए, अब तो भूख लग रही भाई। तो इडली खा लिया हूँ, ठीक है, एवरेज टेस्ट है। मुंह हो गया थोड़ा खट्टा, जूस पी लेंगे। मैं एक जूस सेंटर पे पहुंचा हूँ, तो आज मौसम बहुत चेंज हो गया मेरे लिए, लाइक मैं जो चीज़ सोच के गया था वो मिला नहीं, तो मैं जूस कौन सा पीऊँगा, तो मैं मौसम्बी का जूस पीऊँगा, मैंने ऑर्डर दे दिया है, मौसम्बी ले रहा हूँ। ये गाइस आ गया मौसम्बी का जूस, इतनी बड़ी गिलास। फाइनली मैं घर के करीब में पहुंच चुका हूं, और इंसान चाहे कुछ भी चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो इसी बात पे मैं ये वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। एंड बाकी का कुछ समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो गाइज प्लीज़। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, बाय बाय।